अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ तमाम बंदे तो खुश होंगे और आबाद होंगे। तो जी ये धोए थे रात कपड़े? नहीं, ये ना एंड वाले कपड़े थे सबसे। अच्छा, बाकी तो सूख जाना चाहिए अभी से। नहीं, अभी सूखने में टाइम लेंगे जी, सूखने में टाइम लेंगे। प्यारे बहन भाइयों, ये देंगे, ये देंगे, ये घूमता कपड़े गंदे किए हुए इसने अपने, चैन नहीं है इसे एक मिनट का भी। हाँ जी, अब तो जनाब साहब आपका नजर नहीं आते मेरी वीडियो में, बहन भाइयों का भी नजर नहीं आता, ठीक है? ना ना ना, ओ खुदा का वास्ता है ना, बड़ी मुश्किल से निकल रही है। ये डेली करता है इसको, मैंने 4-5 बार रोका, फिर मुझे मेरे पास आते। असल में मेरे ही वो हुआ हुआ है ना इर्द गिर्द, क्योंकि मैं नजर तो आता नहीं अब सारा सारा दिन। मैं चाय रखती हूँ ना बनने के लिए, अब सुबह सुबह एक काम किया करें, जाते हुए ना मेरे बहन भाइयों के साथ। तो जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैर खैरियत होंगे। तो सॉरी मैंने सलाम नहीं किया था, और मैं बस ऐसे ही इनके साथ गुफ्तगू में लग गया। तो जी मेरा वाकई जॉब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब दोबारा से हो गई है, और अल्लाह का शुक्र है मैंने स्टार्ट की भी है। दुआ कीजिएगा मेरी बस कंटिन्यू रहे, क्योंकि प्राइवेट जॉब्स का पता नहीं होता कब छुड़वा दें। हम छोड़ते नहीं हैं, वो खुद छुड़वाते हैं। जी जी, ठीक है। इंशाल्लाह। तो जी इस वक्त धोए जा रहे हैं बर्तन। हाँ जी, रात रह गए थे, बर्तन रात धोए ने जी। बाबा मेरा लड्डू, आओ आओ। वो भजन सिंह भी पीछे पा नहीं कर रहे। नहीं, वो मेरे पास ही आया, असल में 2-3 दिन से नजर पा नहीं रहा ना, सुबह से मेरी जान छोड़ नहीं रही। जी बाबा, जी बाबा। अब वो अभी मुझे कह रहा है कि गोद में लो। ये कह रहे हाँ लड्डू, ऐसे ज्यादा करता। ठीक है, आप धो लो बर्तन, मैं यार निकलूं, मैं तैयारी करूं जरा। हैं, चलो ठीक है। वो तो अपने बाप को तंग कर रहा है, पप्पन के लगा रहे हैं वहां से झाड़ू पकड़ी के पास से, तो वहीं बैठा है। तो पप्पन में कह रहे चल हट गंदा यहाँ से। नींद आ रही है आपको? वैसे ही मेरे बहन भाइयों को पता है। दोपहर के लिए तो गोभी है जी, बस ठीक है। गोभी मेरे पराठे खाने में, पराठे बना दूंगी। गोभी सालन ऐसे खाना होता है, ठीक है ना? बकरी खा रही है इधर घास, और पापा जी ने लगाई है जैसे झाड़ू। गया है बकरी के पास पापा इंजीनियर में नहाने के लिए, और वो ना बाहर ही खड़ा हुआ है, बहुत शरारती है छोटे जी, बहुत ज्यादा कहेगा मुझे गलियों में लेके घूमो फिर बस, और इसे कोई काम ही नहीं है। अच्छा जी, ये कौन मोहम्मद की चाय? ये आपके? इन्हें मैं चाय बहुत कम देती हूँ, कभी कभार। हमें तो आदत पड़ी है, बच्चों को तो नहीं डाल सकते, नहीं आते। देखो बहुत है, आप भी चाहे बहुत है। हाँ जी, नहीं आएगा ये, तंग किया भाई साहब। हो रहे सर जी, रेडी हो रहे? मैं कह रेडी ना, मैं कह रेडी। अच्छा तो जनाब आप रेडी हो गए? चलो रेडी हो, फिर मैंने कब कहा है कि आप रेडी ना हो? सर जी कहाँ कटुबत पर रहना है आज? हाँ जी,
कोई नहीं खैर, अल्लाह देखे। ये जी हमारी बाकर खानी, क्या कह रहे हैं? बाकर खानी जी, क्या कह रहे हैं आप? जुर्माने वाली बाकर। हाँ ठीक है, आप वापिस देख लीजिए, वापिस ये वापिस देकर इधर से निकल रहे हैं। ये वो वाली बाकर खानी, क्या बैठ से मानते हैं? इधर चले, चले इधर, चले इधर। नहीं होगा ऐसा, कभी नहीं, कभी भी नहीं। या फिर ऐसे वीडियो रिमूव हो जाती है, ऐसे काम हो सकता है? हाँ जी। जी जनाब, मोबाइल उठा लिया आपने अपना? हाँ जी, मैंने मोबाइल उठा लिया है। ये कैसे? पता नहीं टूट गया, पुराना हो गया था। कोई नहीं यार, कसूर है इस मीटर का। ये इसका जेन्युइन मीटर है, सन 2018 का मॉडल है। हाँ जब भी ली थी हमने। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और ये 25 वाला लगने वाला है, 24 में ख़त्म हो गया। सातवां साल लग जाएगा। 7 साल हो गए। तो ये तो होने ही था 7 साल। फिर जितना ये लोगों ने इसको पेलो पेल किया है, जिसका भी दिल आया वही ले गया, जिसका भी दिल आया वही ले गया, जिसका भी दिल आया वही ले गया। किसी को इनकार करो तो उसका फिर अगले से 10-10 बातें सुनने को मिल रही हैं यकीन मन। चले ठीक है, अल्लाह ताला आपको खैर करे। इसे पूछा मैं अपने घर का काम काज करूँ, वो तो गए चीज़ लेने के लिए, तीन नहीं। अल्लाह वो गई, वो रही है कि अच्छा, क्योंकि इसलिए भेजा था उन मोहम्मद को उसको कि ताकि देखे ना अपने पापा को धोए ना। कपड़े मत सूख गए होंगे अब। मैं कह रही थोड़ी सी ना और धूप लग जाए, क्योंकि कल शाम के टाइम तो धोए थे हमने, तो मोटर मैंने भरना शुरू कर दी। जैसे मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि लाइट का भरोसा नहीं है। रात को भी लाइट चली गई थी, रात भी लाइट चली गई थी। ए मेरे अल्लाह, एक बारिश देखा, अगर बारिश आ जाए तो समझे सर्दी आ गई। अरे इस पर देखे ना, वो फूल आना शुरू हो गए हैं इसके। ये किस चीज़ के अंबा जी फूल? ये रात की दानी है, अभी मेरे ख्याल दिन का राजा है। रात की रानी, दिन का राजा, ये फजैल के काम के किए उस गमले में रहना, फूल ये मार मार के ना मेरे मट्टी निकाली है और फिर मेरे पास आ जाता है। ऐ अब मेरे हाथ वाश कर दो, बड़ी हंसी आती है मुझे फिर इसकी सरकत पर। फिर मैं बार बार इसको ले लेके भागते रहेंगे। बड़ी तोड़े लगवाता है हमारी ये बच्चा, बड़ी तोड़े लगवाता है। मैं तो कहती थी ओन मोहम्मद शरारती है, मगर ये ओन मोहम्मद से भी, मगर ओन मोहम्मद की एक बात है बहन भैया, ये चुप करके जब बैठ जाए ना, ये बोलता हुआ अच्छा लगता है, जब ये चुप कर जाए ना फिर सुकून नहीं आता हमें। मैं कहती ये बोलेगा तो मुझे चैन मिलेगी, अगर ये चुप रहेगा ना तो मुझे चैन नहीं मिलेगी। तो मेरा बेटा उस कमरे की ना मैंने डस्टिंग कर दी है, मैं झाड़ू लगाती हूँ। मैं लगाती हूँ, मैं लगा लूँगी। मेरा बच्चा कल बहुत थक गया होगा, अब ठीक है। ये पैंट जैसी है ना पापा की पैंट की शर्ट, ये ना अभी साथ ही ना धो के डाल देंगे इसको, पानी का छिड़काव कर देते हैं इधर से। और अभी कचरा काफ़ी ज़्यादा है, घर की सफाई होगी तो घर की कोई शक्ल नज़र आएगी। तो बहन भाई यकीन मानिए, कहीं आप समझते होंगे घर की सफाई नहीं होती, बाकी कसम यकीन मानिए अल्लाह को जान देंगे, घर की जो सफाई है ना 3 से 4 बार होती है। आप खुद देख लें, जब 3 से 4 बार सफाई होती है तो क्या हाल होता होगा हमारा। बाजू थक जाते हैं हमारे, कंधे थक जाते हैं, इतने बड़े घर में झाड़ू लगा से लगा सूख गए, जो सूख गए ना इन्हें तो ना साथ ही उतार लेंगे। ट्राउजर मेरे ना रात पहनने के लिए मेरे पास एक ट्राउजर नहीं था, 4 ट्राउजर। हाँ 2 ट्राउजर सच रखे हुए थे, और फिर मैंने कब ढूंढ लूँ, क्या करूँ क्या नहीं।
इधर की झाड़ू मासी ने लगाई है और आ जाएंगे मानो। क्या मम्मा जी लगा रही है तो झाड़ू। हाँ जी, मैंने कहा तो झाड़ू लगाओ, कौन मोहम्मद की देना, मैं ना झाड़ू लगा रही हूँ, कौन मोहम्मद है इधर से है ना वो अलमारी, ठीक है हाँ, तो मेरा दिल उसका शीशा बंद करो, क्योंकि नसीम को दी है वाईफाई, तो वो कहती शीशा बंद करते हो तो सिग्नल में इतना नहीं आते, अब उसके सिग्नल के चक्कर में जो है ना यकीन मान लें कि हमारा वोट यहाँ से चलानी है गुजरनी रिक्शे गुजरने, तो वो सारी मट्टी उस कमरे में आती है, तो उस वजह से ना मुझे परेशानी का सामना करना पड़ता, दिन में चार दफा बेडशीट झाड़ू मट्टी मुट्टी हो जाए, तो मैंने कहा यहाँ से झाड़ू लगा लो दोनों कमरों में से बरामदे में से भी, हमारी बरामदे की झाड़ू लग गई, अब रह गया सहन हो, और मेरा दिन पता क्या है आज सहन धो लो है क्या अच्छा धो लेते धो लेते हैं, इतने दिनों से धुला ही नहीं है, छोटे वाली थी, महीने में दो झाड़ू आती हैं क्या करें, झाड़ू दे भजन सीम है झाड़ू दे दो, तो ये पता है झाड़ू दे दो, ये हाल है उनका, क्या करूँ मैं, झाड़ू झाड़ू ही टूट जाती हैं, ये अम्मा जी ये दो मुझे, एक ये है एक ये है, वो सब इन्होंने छोटी छोटी कर करके दी हुई है, ये लगाती हूँ मेरा झाड़ू लाने के लिए, चाय रखी है अपने बल्ले, हाँ जी मुझे हाला जी आई हैं जो काफ़ी दिन के बाद आई थी दरम्यान में भी, तो मेरी तबीयत उस दिन काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, तो खुद ने मुझे जगाया नहीं, वही बात है कि अगर वो सो रहे थे तो वो मुझे नहीं जगाता, अगर तबीयत ख़राब हो तो, अगर मेरी तबीयत ख़राब है तो वो नहीं जगाते, अगर उनकी तबीयत ख़राब है तो मैं नहीं जगाती, तो उस दिन ज़्यादा तबीयत मेरी ख़राब थी, बाकी ये कि दिल के पट्ठे हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं, उसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशानी बनती है, फिर बीपी हाई हो जाता है, बीपी हाई जो इंसान है वो मेरे लिए सबसे ख़तरनाक चीज़ है, फिर कुछ तो चश्मा मुझे पहले भी लगा होता, मैंने जैसे बताया था अपने बहन भाई को, मैं छठी क्लास में थी जब मेरी आंखों में कुकरे बने थे तो मुझे चश्मा लग गया था, और अब जो इंसान है मुझे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि मोबाइल का इस्तेमाल है, तो और वो अब तो सर का दर्द जो इंसान है 24 घंटे जाता ही नहीं है, बहुत बुरी हालत हो जाती है, मैं खुद मुझसे कह रही थी, मैंने कहा आपकी छुट्टी करने की मैं तुम जुम्मे वाले दिन होगी, ये कि कल परसों जाके जो है ना अपना टेस्ट करवाती है, टेस्ट करवाने के बाद जो है ना जो भी चश्मे का नंबर होगा ना फिर चश्मा लाजमी लगवाती है, कैक्शा का भी चश्मा लगा हुआ था कौन मोहम्मद ने तोड़ दिया, अभी ये भी चश्मा लगा दी, ठीक है अब इसकी भी नज़र का मसला बना हुआ, तो इसका भी चश्मा बनवाऊँ अपना भी चश्मा बनवाऊँ, पहली फुर्सत में कल ना यही काम करती हूँ मेरे, ठीक है मैं हाथ धोकर ना नानों को दूध चाय, ठीक है फिर उसके बाद मैं यहाँ से सारा कचरा वगैरह उठाती हूँ, उड़ाने के बाद फिर देखते हैं, अब सैन धोना होगा तो अब धो लेंगे, तो शाम को धो लेंगे, अब धो लेंगे फारिक हो जाएंगे, फिर शाम को फुजैल होता है वो कर देगा, चले कोई नहीं होता खैर फुजैल भी लग जाता होता है साथ ही, अब आंखों में ना बड़ा दर्द है, तो बाकी कपड़े भी सोते ना यहाँ से मैं अंदर रखा ही हूँ, उन्हें अभी समेट समूट के ना मैं बाद में धोने वाले बीमार है तो वो भी धोती हूँ मैं, वो भी सूख रहे हैं, बाकी किचन के बर्तन हैं वो भी सारे धुल चुके हैं, अब रह गई हमारी सहन की सफाई और कपड़े, ये हम बात नहीं, पहले तो मैं हाथ धो लूँगा अपने, हाथ धोने के बाद खाला जी को चाय दे डाल, चाय तैयार चाहे इसके ना काम चेक करे, अभी मैंने ऐसे सफाई की वो सारे खिलौने रखे हैं वहाँ पे बेड पे, और अब ना इसने सर में डाला हुआ अपने पाउडर, खाला चेक किया इसको, ये देख ना सर में पाउडर डाला हुआ है, सर में पाउडर डाला हुआ अपने, हाँ यही काम कर रखा इसने, नहीं यार इसने नहीं बनता पढ़ना, खा ले खा ला बदच के खा ले, तो इस तरह ना कि आटा भी मैं गूंदने लगी ना, तो बहन भाइयों मैं तो जुबान जो खाला की है ना वही हमारी जुबान है, ठीक है ये एक अलग बात है कि मैं उर्दू बोलती हूँ वीडियो में, ये देख ये काम चेक करें इसके, चलो आपकी नाइयाँ कराऊँ मैं, पहले आटा गूँ फिर इसके नाइयाँ करा दूँ, सही है जी, क्या खाओगे पराठा खाओगे गोभी वाला, गोभी वाला हाँ जी, गोभी वाले पराठे का ना कोई नहीं खाला इनकी, जी चाचू ने भी कहा था, चाचू ने भी कहा था,
कल कैसे करो कि चाचू के पास मिला हूँ, तो ठीक होने के लिए गया बस में उसमें। चाचू रात को क्या के लिए गए थे? आज तो गोभी बनी है, सुबह पराठे बनेंगे। हाँ ये तो कहा था चाचू ने भी पराठे, अच्छी की बात कर रहे हैं कि भी पराठे को उसने कहा था। खाला नन्नो है, चलो कोई नहीं, खाला भी कह रहा, खैर इज्जत से तो बुला दो ना खाला। अदब से बुला रहे हैं। हाँ अदब से बुलाए बस। और मोहम्मद नन्नो कहेगा, कभी खाला कहेगा, कभी बाजी कहेगा, इसकी जुबान तो कोई पता नहीं, कोई पता नहीं है इसका। ए इधर आओ, इधर मेरी बात सुनो, इधर तो अच्छा अच्छा बच्चा कौन है, क्या अच्छा है कि आप इधर सामने आ गए, आप अच्छे बच्चे। फिर ये सर में ये पाउडर, ये किसको देखा सर में पाउडर डालते हुए, जुबान ना निकाल के देखो, अंकल आंटी कहेंगे कितना गंदा बच्चा सर में पाउडर डाला हुआ इसने। तो बहन भाइयों कपड़ों का हाल भी इसका चेक कर लें, मेरा कसूर बता दें कि मेरा कसूर क्या है। फिर ऑडियंस जो है ना वो मुझे कमेंट्स में जो है ना गालियाँ देने से बाज नहीं आती, वो देख लें अब भी पाउडर डालता है, नहीं बाज आना इसने ना। इधर आओ। नहीं मजे में छान लिए और अब पानी ले रही है के लिए। हाँ जी वो ऐसा है कि अब काला जी आई है ना तो चाय बने, तो फिर दोबारा से ना बर्तन हो गए। आटा मुझे कैप्शन ने छान के दिया और वो उसकी वो बंद नहीं करनी थी। अच्छा वो लड्डू की काम चेक किया, लड्डू कैसे सोया हुआ, रोजाना ऐसे ही सोता है। चूल्हे में से निकल गया, अभी काम करना शुरू हो जाएगा इनका। अच्छा खाना सर्दी जाने का नाम ही ले रही है, गर्मी गर्मी जाए तो कुछ सुकून है। अच्छा जितनी देर से गई है सर्दी पड़ेगी ना उतनी देर से सर्दी जाएगी। चलो कोई नहीं, हम इंसान भी तो ना शुक्र है ना, गर्मी आती है तो हम कहते हैं हाय गर्मी, सर्दी आती है तो हम कहते हैं हाय सर्दी, हमारी भी तो हाय हाय होती है ना। फिर आटा गूंद लो, मैंने कहा खाला जी को भी भूख लगी हुई है, मैं फिर चाय बाका खाने दी थी, मैंने कहा ये पहले, मैंने कहा मैं आटा गूंद लेती हूँ, कह रही अच्छा फिर मैं चलती हूँ, मैंने कहा नहीं अब खाना खा के जाना दोपहर का। ये तो नहीं कि भाई आई हैं इतनी दूर से अपने नसीब का लेकर आई है, कोई मेरा नसीब थोड़ी खा लिया अपने नसीब का। ऐसे पहले ही मैं आज़ादों बार कह चुकी हूँ कि दस्तरखान हमारा जरूर होता, लेकिन उस पर रिस्क जो इंसान ना वो आने वाले को होता है, अल्लाह ने उसके हिस्से का पहले भेज देता है अल्लाह का, तो मैं कभी नहीं घबराई इस चीज़ से कि क्यों नहीं है। अच्छा जिस दिन हम मरेगा तो कोई ना आए ना, हम कहते आज दिल उदास है, आज क्या हुआ क्यों नहीं कोई आया। आड़ू सारी आपने लगा ली है और इधर से जो इंसान है मैं खुद लगा देती हूँ, मैंने तो रोका, मैंने कहा आप रहने दो, नहीं मम्मा इधर से मैं लगा लेती हूँ, मैंने कहा चलो जी ठीक हो गया। जो कपड़े सूख चुके थे वो मैंने उठा ली हूँ मैं, और जो गीले थे हल्के हल्के से वो भी रह गए। अच्छा मुझसे गलती होगी, जैसे खुद हम घर में थे मैंने कहती बेडशीट और ये खेस जो है ना आप सही से डाल दें, चलो कोई नहीं खैर है कुछ नहीं होता। और बोतलें वो काटती हूँ, काट कर ना बोतलें वो लगाते हैं, ये दीवार मुकम्मल बदल देते हैं। तो बहन भाई यहाँ से सारी साफ सफाई हो चुकी है और अब सिर्फ ना यहाँ से टाकी वगैरह लगनी है, अंदर जो कपड़े हैं बस वो समेटने रह गए हैं। फिर वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाती है, फिर हमारे काफ़ी बहन भाई कहते हैं कि वीडियो आपकी काफ़ी बड़ी हो जाती है, उधर से शादी है शादी है शादी है हमारी, तो जाहिर है फिर वो भी तैयारियाँ रहती हैं। और अब जो इंसान है दोपहर का खाना वगैरह बनाते हैं, तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो मेरे तमाम बहन भाइयों को पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धूप फिर कहूँगी कि गर्मी जाने का नाम ही नहीं ले रही है, गर्मी जाए तो हमें भी कोई सुकून आए, फिर कहूँगी कि इंसान ना शुक्रा, और चले कोई बात नहीं वो तो ना शुक्रा तो इंसान रहती है सारी ज़िंदगी, ये तो सबको पता ही है। तो प्यारे बहन भाइयों अल्लाह हाफिज़, ढेर सारा प्यार ढेर सारे दुआओं के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी, पाकिस्तान जिंदाबाद, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम भी आपको अपनी दुआओं में याद रखते हैं। तो जाहिर है अब कदम तो होते नहीं हैं और मेरी वीडियो होती है और मैं
सब बहन भाइयों को शुक्रिया अदा करती हूँ कि जितने भी हैं कि मेरी वीडियोस देख तो लेते हैं, चले चंद एक व्यूज़ आ जाते हैं, ये भी अल्लाह का शुक्र है। इस परिंदों की बोलने की भी आवाज़ आ रही है, यहाँ से हवा चल रही है ना प्यारी प्यारी। अच्छा रात तो बहुत प्यारी हवा चल रही थी। तो प्यारे बहन भाइयों अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद, फिर अच्छा सा व्लॉग लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होती हूँ। बाय बाय।